इस देश की धड़कन है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार आर्मी स्टडी में। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। आर्मी एग्जाम के लिए टॉप 15 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन इस सेशन में है। अगर आप 12 का सही जवाब देते हैं तो मानो इंडियन आर्मी की तैयारी आपकी बहुत ही शानदार चल रही है। 1 नवम्बर को जिनका एग्जाम है उनके ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले पेन व नोटबुक साथ लेके बैठना व चैनल को लाइक व शेयर कर देना। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको 1909 कर लेना है, 3 के स्थान पर 1909 कर लेना है। तो अब बात करते हैं 1909, 1926 या 1928 या 1930, जो इसका सही आंसर बता रहे हैं 1909 ऑप्शन नंबर ए, वो एकदम सही है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों दुबई में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दुबई दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों वर्तमान में आईपीएल का आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है इमरान ख्वाजा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आईसीसी के वर्तमान में सीईओ है मनु साहनी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आईसीसी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे, तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे दोस्तों जगमोहन डालमिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत आईसीसी का सदस्य बना था 1926 में और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सभी को नोट कर लेना, जिन्हें ये पता नहीं है कंटेंट के बारे में वह साथ साथ नोट करते चलना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो आपको बताना है राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है। विश्वनाथ आनंद, कर्णम मलेश्वरी, सानिया मिर्जा व महेश भूपति, जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ आनंद, वो एकदम सही हैं। विश्वनाथ आनंद दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। इनका संबंध है दोस्तों शतरंज से, ये आपको ध्यान रखना है। शतरंज से संबंधित है विश्वनाथ आनंद, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्णम मलेश्वरी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी कर्णम मलेश्वरी, जो भारोत्तोलन से संबंधित है। कर्णम मलेश्वरी पहली महिला थी जिसने कोई भी ओलंपिक में पदक प्राप्त किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सानिया मिर्जा की दोस्तों, सानिया मिर्जा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला थी। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला अगर पूछा जाता है तो वह सानिया मिर्जा थी। वह ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, वह महेश भूपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की, तो 1991-92 में इनकी शुरुआत हुई थी। प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद थे और दोस्तों वर्तमान में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक तो है रोहित शर्मा, मोनिका बत्रा, रानी रोमपोल, विनेश फोगाट व मरियम थंगावेलू, यह इन व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से वर्तमान में सम्मानित किया गया है 5 खिलाड़ियों को। और इसमें दोस्तों वर्तमान में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे उनके स्थान पर इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजित किया गया था, तो आपको बताना है प्रथम महिला विश्व कप कब आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन है 1973, 1975, 1983 या 2007, जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो एकदम सही है। 1973 में दोस्तों इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, वह इंग्लैंड इसका विजेता देश बना था,
यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रथम पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कब हुआ था, तो यह दोस्तों इंग्लैंड में 1975 में आयोजित हुआ था, जिसका विजेता बना था वेस्टइंडीज, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता, अगर क्वेश्चन आता है भारत ने प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब कब जीता, तो 1983 में दोस्तों क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। वेस्टइंडीज को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था, कपिल देव इस टीम के कप्तान थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रथम T20 विश्व कप का आयोजन कब हुआ था, तो प्रथम T20 विश्व कप का आयोजन 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका विजेता बना था भारत बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गीता सेठी किस खेल से के साथ जुड़ी है, गीता सेठी किस खेल के साथ जुड़ी है, गोल्फ, क्रिकेट, बिलियर्ड्स या हॉकी, जो इसका सही आंसर बता रहे हैं बिलियर्ड्स, वो एकदम सही है, बिलियर्ड्स के साथ जुड़ी है गीता सेठी, ये आपको ध्यान रखना है। टाइगर वुड्स का संबंध है गोल्फ से, मिताली राज का संबंध है दोस्तों क्रिकेट से, व रानी रामपाल का संबंध है दोस्तों हॉकी से, ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उबेर कप का संबंध किस खेल से है, पोलो, बैडमिंटन, फुटबॉल या हॉकी, जो इसका सही आंसर बता रहे हैं बैडमिंटन, वो एकदम सही है, बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। अब बात करते हैं दोस्तों हॉकी से, तो आगा खां कप का संबंध है हॉकी से, अब बात करते हैं दोस्तों डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से, वह एजरा कप का संबंध है दोस्तों, एजरा कप का संबंध है पोलो से, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो आपको बताना है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, के रेणुगोपाल, गिरीश चंद्र मुर्मू, दिनेश खारा, शक्तिकांत दास, जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के रेणुगोपाल, वो एकदम सही है, के रेणुगोपाल है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी शब्द, महान्यायवादी पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, 76 में है दोस्तों महान्यायवादी पद का उल्लेख। अब बात करते हैं भारत के वर्तमान में CEG यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कौन है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण है गिरीश चंद्र मुर्मू, SBI के वर्तमान में चेयरमैन है दिनेश खारा, व RBI के दोस्तों अध्यक्ष है वर्तमान में शक्तिकांत दास, ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाण भट्ट किसके राज दरबार में विभूषित थे, तो आपको बताना है विभूषित थे बाण भट्ट किसके राज दरबार में थे, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर, जो इसका सही आंसर बता रहे हैं हर्षवर्धन, वो एकदम सही है, हर्षवर्धन के राज दरबारी थे बाण भट्ट, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हरिश्चंद्र किसके राज दरबार में थे, तो हरिश्चंद्र थे दोस्तों समुद्रगुप्त के राज दरबार में थे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वह चाणक्य दोस्तों चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है, वह तानसेन दोस्तों अकबर के राज दरबार में थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रोम किस नदी के किनारे स्थित है, टेम्स, टाइबर नदी, सी नदी या नील नदी, है तो आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, जो टाइबर नदी बता रहे हैं वो एकदम सही है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों रोम। अब बात करते हैं दोस्तों पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो सी नदी के किनारे स्थित है पेरिस, काहिरा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो नील नदी के किनारे स्थित है काहिरा, मिस्र को दोस्तों नील नदी का उपहार कहा जाता है, वह लंदन दोस्तों टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको, राफेल लड़ाकू विमान किस देश से भारत ने खरीदा, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी वो एकदम सही है, फ्रांस से दोस्तों हमने राफेल लड़ाकू विमान खरीदा था, यह आपको ध्यान रखना है,
डसाल्ट कंपनी ने इसे बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की डसाल्ट कंपनी थी जिसने राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस, जो सी नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंक यहाँ की दोस्तों मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमने अमेरिका से कौन से हथियार खरीदे हैं, तो अमेरिका से दोस्तों हमने बोइंग व अपाचे लड़ाकू विमान हमने अमेरिका देश से खरीदे हैं। सुकोई व S-400 एंटी मिसाइल दोस्तों हमने रूस से खरीदी है। सुकोई व तथा S-400 एंटी मिसाइल हमने रूस से खरीदी है। इसराइल से हमने बराक मिसाइल खरीदी है दोस्तों इसराइल से, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, मूसी, झेलम व चंबल। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं मूसी नदी, वो एकदम सही है। मूसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों हैदराबाद में, दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गोदावरी के किनारे स्थित है नासिक दोस्तों, जो प्याज के लिए प्रसिद्ध है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर दोस्तों झेलम नदी के किनारे स्थित है व कोटा दोस्तों चंबल नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ताप पर सेंटीग्रेड व फॉरेनहाइट का तापमान समान होता है? तो आपको बताना है सेंटीग्रेड व फॉरेनहाइट किस ताप पर समान होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस व 100 डिग्री सेल्सियस। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं -40 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर बी, वो एकदम सही है। -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड व फॉरेनहाइट का तापमान समान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जल कितने सेल्सियस पर उबलता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जल कितने सेल्सियस पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं यूरिक अम्ल, वो एकदम सही है। यूरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों मूत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है व सिरिका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? आसाम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं कर्नाटक, वो एकदम सही है। कर्नाटक है दोस्तों कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे भारत की वेलिकन सिटी कहा जाता है दोस्तों बेंगलुरु को। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा और वजूभाई वाला है यहाँ के राज्यपाल, ये आपको ध्यान रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आसाम की, चाय का सर्वाधिक उत्पादन राज्य आसाम है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है कलहण, जयदेव, चंद्रवरदाई, मलिक मोहम्मद जायसी। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं चंद्रवरदाई, वो एकदम सही है। चंद्रवरदाई है दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक। गीत गोविंद के लेखक है दोस्तों जयदेव, आपको ध्यान रखना है गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। राजत रंगिणी के लेखक है दोस्तों कलहण, राजत रंगिणी के लेखक है कलहण व पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आशापूर्णा देवी, अमिताभ घोष, जी शंकर कुरूप। तो
तो आपको बता रहे हैं प्रथम व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह है दोस्तों जी शंकर कुरूप है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मलयालम लेखक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमिताभ घोष को दोस्तों 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी, ये आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।